अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल यूट्यूब चैनल मुजाहिद इलेक्ट्रिक की तरफ से। और माजरत के साथ के कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से बहुत एक अरसे के बाद मैंने वीडियो बनाई है। तो मैं इसमें आज आपको डंकी पंप है, इसकी बैरिंग वगैरह टूटे हुए हैं या क्या मसला है, वो मैं सारा आज आपको क्लियर करूँगा कि इसके बैरिंग की किस तरीके से चेंज किए जाते हैं और इसकी बोकी वाल ग्लैंड डोरी और सब चीज़ें, यानी कि 1 से लेके 10 तक, यानी 1 to 8 जिसको कह रहे हैं, आपको मैं सारा इसका बताऊँगा कि किस तरीके से डंकी पंप को हम रिपेयर कर सकते हैं। वो बहुत ही आसान तरीके से कि आप इसको अपने घर पर आसान और इजी वे से आप उसको हल कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपके पास आपके औजार का होना लाजमी है, क्योंकि एक भी औजार आपका कम हुआ तो समझ लीजिएगा कि आप बस फिर काम अधूरा पड़ा रहेगा, आप औजार के पीछे घूमते रहेंगे। सबसे पहले जो चीज़ें हमें ज़रूरत हैं उसका मैं आपको बताता चलूँ। ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड पर हमारे पास ये 12-13 का पाना है, ठीक है। अब छोटा स्क्रू पाना आप इस्तेमाल कर सकते हो, मगर वो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ये 12-13 का आप पाना लेंगे तो ये 13 का यहाँ पर आपके 13 के स्क्रू एक तो यहाँ पर है, दूसरा ये इसकी ये साइड है, यहाँ पर भी आपके 13 के स्क्रू, जैसे यहाँ 13 के बोल्ट लगे हुए हैं 3, इसी तरीके से 13 के बोल्ट यहाँ भी लगे हुए हैं। और ये जो पुली का बोल्ट है आपका नज़र आ रहा होगा आपको, ये जो है ये 15 का है, यानी कि 14-15 का भी पाना आपके पास होना चाहिए। और ये जो हिस्सा है ये तो इसका सिर्फ कप का है, यानी कि कप लगता है यहाँ पे, इसका तो इतना इशू नहीं है, ये पेचकस होना चाहिए आपके पास, उससे भी निकल जाएगा। अब आते हैं इसकी ग्लेंडोरी के नट के ऊपर। अब ग्लेंडोरी के नट का मुख्तलिफ साइज़ है, या बास टाइम 17-18 का भी होता है, बास टाइम 16-17 का भी होता है और 18-19 का भी लगता है, लेकिन कोशिश करें शाफ्ट खोलने के बाद आप इसका जो नट है इसको रिंग पाने से खोलें। रिंग पाने से खोलने से ये होगा कि आप ये जो इसकी साइडें बनी हुई हैं जहाँ पर पाना फिक्स होता है, ये साइडें इसकी सही रहेंगी, यानी कि सारी सिम से एक जैसा जो है ना ज़ोर लगेगा तो ये सुकून से आराम से खुल जाएगा। अब इसकी जगह पे आप अगर फिक्स पाना लगाते हैं तो ये अगर बहुत ज़्यादा और पुराना टाइट हुआ हुआ है तो फिर आप पाना लगाएंगे, पाना फिर स्लिप मारेगा, फिर आपको ये भी हो मुमकिन है कि आपको शायद ये गर्म करवा के या फिर काट के या फिर पूरा घुटका ही आपको सिर्फ एक नट की वजह से पूरा घुटका आपको चेंज करना पड़ जाए। तो बी श्योर कि आपके पास चीज़ें औजार खास तौर पर होना लाजमी है। औजार आपके पास नहीं होंगे तो मेहरबानी करिएगा कि इस काम के अंदर जो है ना हाथ मत डालिएगा, वो इसलिए कि आपके पास औजार होंगे आप सुकून के साथ अब ये काम कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया एक ओवरव्यू छोटा सा कि आपके पास क्या क्या औजार होने चाहिए। एक अदद ग्रिप प्लास हो, 12-13 का पाना हो, 14-15 का फिक्स पाना हो, बोकी के लिए रिंग पाना आपके पास होना लाजमी है। उसके बाद अल्लाह आपको नेकी दे, बोकी पाना 15 का या 15 की गोटी या टामी आपके पास होनी चाहिए। तो ये चीज़ें तो हो गई इनके औजार के बारे में। अब आते हैं वीडियो की तरफ, मेन जो हमारा जो मसला है उसकी तरफ। अच्छा, ये मैंने खोल दिया, खोलने के बाद सेट कर दिया, सेट करने के बाद मैंने इसकी वीडियो जहन में आया कि यार मैं बना लूँ, अपने दोस्तों को भी दिखा दूँ कि भाई ये काम किस तरीके से होता है। तो अब ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये इसकी जो है ना तकरीबन अंदर 3 बेरिंग है, एक इस साइड पर है, एक सेंटर में है और एक आगे, बाद में 2 होते हैं, बाद में 1 होता है, इसमें 2 हैं, यानी कि 2, एक 3, 3 और एक ये 4, 4 बेरिंग है। इसके मैंने चेंज किए बेरिंग, और बेरिंग जो पुराने थे उनका मैं आपको थोड़ा सा हाल दिखाऊँ कि क्या हुआ है। तो उन बेरिंगों का ये हाल हुआ, यानी कि ये बेरिंग है अंदर टूटे हुए थे, बेदर्दी के साथ चलाता रहा कोई भी बंदा, ये इसकी वजह से और भी बहुत नुकसान हुआ है।
तो यानी कि ये टूट फूट का शिकार हो गया था, ये बैरिंग सारे टूटे हुए थे। फिर इनको चेंज करा, और चेंज करने के साथ जब ये बैरिंग आप चेंज करते रहते हैं, चेंज नहीं करते हैं, तो ये जाम हो जाता है। जाम होने के साथ आपका एक तो ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट टूट सकती है। अगर शाफ्ट नहीं टूटी तो इसका हेड, ये जो हेड है इसका, ये टूट सकता है। जैसे कि ये ऑयल वाला हेड, ये टूटा भी है, क्रैक भी हुआ है। अब इसके ऊपर मैंने दोबारा मैजिक लगाई है और थोड़ा सोचने के लिए छोड़ा है, ताकि धूप लगे और थोड़ा ये मजबूत हो जाए, उसके बाद फिर मजीद काम है इसके ऊपर करूँ। तो ये एहतियात आपने लाजमी करनी है कि एहतियात से खोलना है आपने इसको, औजार आपके पास लाजमी होने चाहिए और ताकि आप सुकून से ये काम कर सकें। अच्छा, अब ये तो हो गया इसका आयल और बैरिंग और कैम शाफ्ट वाला हिसाब और पिस्टन वाला। अब आगे चलते हैं इसके हेड की तरफ, जहाँ से ये पंपिंग करके पानी खींचता है। इसको बोलते हैं हम गिलासी, गिलासी भी बोलते हैं हम अल्फाज में, और गिलास भी बोलते हैं। गिलास इसलिए बोलते हैं कि ये गिलास की तरह है और इसके अंदर जो है ना बोटी जो है मूव कर रही होती है, जो प्रेशर बन रहा होता है वो प्रेशर जो है ना फिर वालों को ऊपर नीचे, यानी प्रेशर बनाता है, पानी वालों को ऊपर नीचे प्रेस करता है और फिर सेक्शन और डिलीवरी यानी कि वो साइड चल रही होती है। हमेशा ये याद रखें, जहाँ आपका ये बेल्ट वाली साइड है वो आपकी सेक्शन की होगी, और जो इसकी बैक साइड है ये आपकी होगी डिलीवरी की। तो ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये ना हो कि आप डिलीवरी को सेक्शन पे कर दें और सेक्शन को डिलीवरी पे कर दें। इस तरीके से काम तो हो जाएगा, पानी भी खींचेगा, मगर जो एक प्रॉपर वे है उसको आप छोड़ देंगे तो फिर ये कि कल कोई मैकेनिक बंदा आके देखता है तो फिर वो इस चीज़ को थोड़ा सा एतराज़ आपके ऊपर उठाएगा कि यार कैसे आपने ठीक किया, सेक्शन आगे और डिलीवरी आपने इधर कर दी, और इस तरीके से तो काम भी हो जाए और जेन्युइन तरीके से काम हो, ताकि दोबारा कोई भी आपको क्रिटिसाइज ना कर सके कि आपने काम सही नहीं किया। ये तो आज था ओवरव्यू कि भाई आपने पंप के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब एक नई वीडियो में इंशाल्लाह, एक नई वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक कि पंप की बोकी वाल और किस तरीके से चेंज की जाती है, बैरिंग किस तरीके से खोला, किस तरीके से जाता है और फिट कैसे किया जाता है, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो उस पर आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा और सिखाऊंगा भी। और जो भी क्वेश्चन वगैरह आपके हों काइंडली कमेंट्स बॉक्स में कर लीजिएगा, तो मैं उसका गाय बगाए आपको मैं उसका आंसर देता रहूँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और एक और बात कि जो लोग नए देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना एक मेरे लिए, यानी कि एक बंदे का सब्सक्राइब करना भी मेरे लिए बहुत कीमती है। और इस चीज़ को इग्नोर मत करिएगा, बल्कि किसी भी शख्स का आप चैनल देखें जो सिंसियर हो, सिंसियरिटी के साथ चल रहा हो, तो काइंडली मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उस शख्स का, या उस शख्स से मुराद लड़का लड़की बच्चा कोई भी है एनीवन, उसका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब की वजह से अगले की ज़िंदगी संवर सकती है। और मैं भी ये भी हो सकता है कि उसका 400 या यानी कि 999 सब्सक्राइबर हो, एक सब्सक्राइबर की वजह से उसका डिले हो रहा हो और आप कर देंगे तो फिर वो काम थोड़ा सा उसकी उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, और वो वीडियो पंप की ही होगी इंशाल्लाह। ये तो पंप का पार्ट वन था, इंशाल्लाह पार्ट टू में खुलता किस तरीके से है, टोटल पूरे का पूरा पंप खोलने का तरीका होगा। उसके बाद एक दिन ऐसा होगा कि पूरे का पूरे पंप को असेंबल किस तरीके से किया जाता है। ये पंप हमारे पास बैरिंग वाला है, ये आजकल जो नए पंप चले हुए हैं वो है। बाद पहले जो पुराने दौर में हुआ करते थे तो बुश हुआ करते थे, तो सेट हुआ करता था, मुकम्मल बुश हुआ करते थे। तो तब तक के लिए मुझे इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।